ऑल ऑफ यू, हम अपना चैप्टर 9 सॉइल शुरू करेंगे। इसमें हमने सबस्ट्रेटम तक कर लिया है, अब हम करेंगे बेड रॉक। बेड रॉक क्या होता है, जिसको हम डी हॉरिजन भी बोलते हैं। द लेयर ऑफ सॉइल जस्ट बिलो द सबस्ट्रेटम इज कॉल्ड बेड रॉक। सबस्ट्रेटम के जस्ट नीचे वाली लेयर को हम क्या बोलते हैं, बेड रॉक, और पेरेंट रॉक इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड डी हॉरिजन, और इसको हम डी हॉरिजन भी कहते हैं। द बेड रॉक शोज द फॉलोइंग फीचर्स। फर्स्ट, द बेड रॉक इज सॉलिड नॉन पोरस एंड हार्ड लेयर ऑफ वेदर्ड रॉक्स। जो बेड रॉक होती है वो सॉलिड होती है, नॉन पोरस होती है, उनमें गैप नहीं होता। साथ में इसकी जो लेयर होती है वो हार्ड होती है, और ये वेदर्ड रॉक्स है, यानी चट्टानों को छोटे 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 टुकड़े होते हैं ये, ठीक है, ज़्यादा बड़े नहीं पर टुकड़े होते हैं उसके बस, और फाइन पार्टिकल्स नहीं होते हैं, इसलिए इसको बेड रॉक भी बोला जाता है। दिस लेयर कैन नॉट बी ईजिली डग अप इवन विथ अ स्पेड। जो गड्ढा करने वाली मशीन होती है उसके थ्रू भी इस लेयर को खोदना आसान नहीं होता है। देखिए, ये होती है बेड रॉक, चट्टान बस छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गए हैं, पर है तो चट्टान ही, इसलिए इसको बेड रॉक बोला गया है इस लेयर को, और डी हॉरिजन भी बोला जाता है। फिर देखिए MCQ है, इसको आपको अपने आप करना है, पर मैं आपको बता देती हूँ। वेदरिंग ऑफ रॉक्स इज़ अ डैश प्रोसेस। रॉक्स का वेदरिंग कैसा प्रोसेस है, मतलब चट्टानों का टूटना कैसी प्रक्रिया है, तो ये बहुत धीरी प्रक्रिया है, तो इसलिए आप लिखेंगे वेरी स्लो। रूट्स ऑफ ट्रीज रीच अप टू डैश। जो रूट्स एंड ट्रीज के वो कहाँ तक जा पाते हैं, सॉइल की कौन सी लेयर तक, तो आप लगाएंगे सब सॉइल। सब सॉइल के आगे रूट्स नहीं जाती हैं, ठीक है, प्लांट्स की। फिर आता है टॉपिक टाइप्स ऑफ सॉइल। सॉइल्स कितने टाइप के होते हैं। सॉइल्स इज क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ द साइज ऑफ द रॉक पार्टिकल इट कंटेन्स। जो सॉइल्स हैं उनको 3 पार्ट्स में बांटा गया है, किस बेसिस पर, रॉक के पार्टिकल्स के साइज़ के बेस पर, कि रॉक का जो पार्टिकल है उसका साइज़ कैसा है, उसके आधार पर। फर्स्ट है सैंडी सॉइल, दूसरा है क्लेई सॉइल, थर्ड है लोमी सॉइल, ठीक है। सैंडी सॉइल फर्स्ट हम पढ़ेंगे, सैंडी सॉइल क्या होता है। सैंडी सॉइल कंटेन्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ सैंड एंड वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ सिल्ट एंड क्ले पार्टिकल्स। तो देखो, सैंडी सॉइल में क्या होता है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में सैंड प्रेजेंट होता है 80%, बहुत ही कम सिल्ट प्रेजेंट होता है, और बहुत उस और उतना ही कम क्या प्रेजेंट होता है, क्ले। इसलिए ये सैंडी सॉइल कहलाता है, क्योंकि इसमें सैंड ज़्यादा है। दिस द फीचर्स ऑफ दिस सॉइल आर, इस सॉइल के फीचर्स क्या हैं। पहला, सैंड पार्टिकल्स आर क्वाइट लार्ज। सैंड के पार्टिकल्स होते हैं वो बड़े होते हैं थोड़े, दे कैन नॉट फिट क्लोजली टुगेदर, सो देयर आर लार्ज स्पेसिस बिटवीन दैम। साथ में एक साथ नहीं फिट हो पाते हैं ढंग से, इसलिए इनके बीच में काफ़ी स्पेसिस रहते हैं, काफ़ी गैप रहते हैं। दी स्पेसिस आर फिल्ड विथ एयर, ये जो स्पेसिस हैं हवा के द्वारा भरे जाते हैं। हैंस वी कैन से डेट सैंडी सॉइल इज़ वेल एरेटेड, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो सैंडी सॉइल है वो अच्छे से हवा से भरा हुआ है। एरेटेड मतलब हवा से भरा हुआ, ठीक है। बी पॉइंट, सैंड पार्टिकल्स हैव लार्ज स्पेसिस बिटवीन दैम, दिस मेक्स सैंडी सॉइल वेरी पोरस, वाटर मूव्स रैपिडली थ्रू इट एंड ड्राइज क्विकली, इट कैन नॉट होल्ड मच वाटर। तो देखिए, सैंडी सॉइल जो होते हैं उनके बीच बड़े बड़े स्पेसेस होते हैं, इसी की वजह से क्या होता है, उसमें हवा भरी होती है और पानी जो है वो ज़्यादा टाइम तक रुक नहीं पाती है सैंडी सॉइल में, क्योंकि उनके बीच में गैप बहुत ज़्यादा होता है, तो इसलिए ये पानी को होल्ड करके पकड़ के अपने पास नहीं रख पाते हैं। सी, सैंडी सॉइल इज़ लाइट, सैंडी सॉइल बहुत हल्के होते हैं। इट हैज़ अ टेंडेंसी टू बी ब्लोन अवे बाय द विंड इट इफ़ लेफ्ट अवेयर। तो देखो, ये ऐसे ही पड़े हुए हैं, तो हवा अगर तेज़ चल रही है तो हवा के साथ भी उड़ जाते हैं, क्योंकि ये बहुत लाइट वेट होता है, बहुत हल्का होता है। डी पॉइंट, सैंडी सॉइल लैक्स ह्यूमस, सो इट इज़ लेस फर्टाइल। जो सैंडी सॉइल होता है उसमें ह्यूमस नहीं होता, इसलिए ये लेस फर्टाइल मतलब कम उपजाऊ होता है। ई पॉइंट, सैंडी सॉइल डज नॉट होल्ड वाटर, हैज़ लेस ह्यूमस एंड फ्यूअर सॉइल ऑर्गेनिजम्स, हैंस इट इज़ नॉट सुटेबल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। सैंडी सॉइल जो होता है वो बहुत ही कम पानी क्या कर पाता है, अपने पास होल्ड करके रख पाता है, अपने पास रोक के रख पाता है, इसलिए इसके पास, और साथ में इसके पास ह्यूमस भी कम होता है, जो कि प्लांट्स की ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट होता है, और इसमें सॉइल ऑर्गेनिजम्स भी बहुत कम रहते हैं, इसलिए ये क्रॉप्स के उगाने के लिए अच्छा नहीं है, यानी फसलों को उगाने के लिए अच्छी मिट्टी नहीं है। एफ पॉइंट, सैंडी सॉइल इज़ नॉट स्टिकी, सैंडी सॉइल स्टिकी नहीं होती, यानी चिपचिपी नहीं होती है। सैंडी सॉइल इज़ यूजली फाउंड इन डेजर्ट्स, और जो सैंडी सॉइल है ये रेगिस्तान वगैरह में पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये कुछ सैंडी सॉइल के बारे में इंफॉर्मेशन थी, आगे हम अगली क्लास में पढ़ेंगे बाकी सॉइल्स को, ठीक है। थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर लिसनिंग मी। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, और सैंडी सॉइल के डेफिनेशन अपने नोटबुक में ज़रूर लिखें, और सॉइल्स के टाइप, ठीक है। Thank you.